पोटेंशियल मैं लास्ट कई सालों से यहाँ आ रही हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पे एग्जीबिशन इकट्ठा इस सब्जेक्ट पे जो यहाँ पे सब इकट्ठा होके एग्जीबिशन करते हैं और जिस तरह से गैलरी स्पेस क्रिएट किया है वो सच में तारीफ करने जैसा है कि आज हम सोचते हैं प्रोफेशनली गैलरी के बारे में तो गैलरी हम ज़्यादातर साउथ मुंबई या वर्ली यहाँ पे ही सोचते हैं, पर एक मीरा रोड में भी एक पोटेंशियल जो वहाँ पे अपकमिंग आर्टिस्ट और साथ में उनका जो एक पोटेंशियल के ग्रुप्स में जो है जैसे मौसमी है, अखिलेश है, मल्लिकार्जुन, शबरी, अन्ना राया, इन सब कुलदीप, इन ये सब जो इनके ग्रुप के जो है उनमें से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में जो अपकमिंग अभी जस्ट पास आउट होकर 2-3 साल हुए रहते हैं उस आर्टिस्ट को भी यहाँ चांस दिया जाता है और इतना अच्छी तरह से डिस्प्ले किया जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये गैलरी नहीं होके भी उन्होंने उस तरफ से जो स्पेस क्रिएट किया है वो सच में काबिले तारीफ है। और आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशन टू पोटेंशियल कि इस तरह से हमेशा ये एग्जीबिशन करते जाए, खास करके अभी के एग्जीबिशन में मैं बताऊँ तो मल्लिकार्जुन का काम बहुत बढ़िया है, अपना राहुल का काम अच्छा है, ओगावा का अच्छा है, देन मौसमी, अन्ना राया, इन सब ने काम बहुत बाखूबी इतना सुंदर काम किया है कि और क्रिएटिव काम बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट भी किया है। जो कलकत्ता का जो लड़का जो उड़न में काम किया है वो भी इतना खूबसूरत तरीके से, ऐसा लगता नहीं कि ये अभी पास आउट या अभी पढ़ रहा है या वो एग्जिबिट कर रहा है, यानी कि सोचो कि आज के आने वाले पीढ़ी इतनी अच्छी तरह से काम को आगे प्रेजेंट कर रही है कि मुझे तो अपना आर्ट का फ्यूचर बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है कि आने वाला समय आर्ट के लिए सच में इंडियन आर्टिस्ट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और साथ में ये पोटेंशियल तो बहुत ही अच्छी तरह से साल में जो एक या दो बार जो शो करते हैं और जिस तरह से प्रेजेंट होता है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू।